मोहन अपनी पत्नी रूपाली के साथ हाथ में दो बड़े झोले लिए खुशी खुशी जा रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज हम मालामाल हो जाएंगे, हमारी मसाले की फसल तैयार हो गई। मुझे काफ़ी महीनों से इस दिन का इंतजार था और देखो आज वो दिन आ ही गया। इस बार हमारी मसाले की फसल बहुत लाजवाब हुई है, इतनी खुशबू आ रही थी मसाले की फसल से, बस क्या बताऊं। अब जल्दी से हम खेत में जाकर अपनी फसल इकट्ठा कर लेते हैं। दोनों बात करते हुए जैसे ही अपने खेत पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका सारा खेत खाली था, खेत में ना कोई फसल थी और ना कोई मसाले। ये देखकर मोहन और रूपाली के होश उड़ जाते हैं। ये क्या है, हमारी मसाले की फसल कहाँ गई? ये तो पूरा खेत खाली पड़ा है, मैंने कल रात ही देखा था, मसाले की फसल यही थी। दोनों ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं। आखिर एक ही रात में मोहन की मसाले की सारी फसल कहाँ गायब हो गई? और मोहन और रूपाली किन कर्जदारों की बात कर रहे हैं? आखिर उन्होंने लाखों रुपए देकर ये मसाले की फसल क्यों लगाई थी? तो इन सब बातों को जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ पर। ये बात है आज से 3 दिन पहले की। एक दिन सवेरे खेत का मालिक जिससे मोहन ने जमीन ली थी वो पहली बार अपने खेत में आता है। जब वो अपने खेत में मसाले की फसल देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मोहन की मसाले की फसल तैयार हो गई, इतनी खुशबू आ रही है, ये मसाले की फसल तो लाखों रुपए में बिकेगी। एक काम करता हूँ, आज रात सारी फसल गायब कर देता हूँ और इसे शहर ले जाकर बेच दूंगा, फिर इसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। तभी खेत का मालिक वहाँ से चला जाता है। उतनी में एक परी आते हैं और वो खेत के मालिक की बात सुनकर कहते हैं, ये आदमी तो गरीब मोहन को धोखा देने की बात कर रहा है, मुझे इस आदमी को इसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना होगा। मोहन ने इस फसल की कितनी सेवा की है, रात दिन मेहनत की है, बेचारी मोहन की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मोहन की वह फसल जादुई मसाले की फसल थी। शाम का समय था, मोहन अपने खेत में आता है। मोहन अपनी फसल को देखकर मन में सोचता है कि मैं अपनी फसल को सुबह को निकाल लूंगा। अगले दिन मोहन और रूपाली खेत में जाते हैं तो खेत में फसल नहीं थी, तो ये देखकर दोनों बहुत रोने लगते हैं और वो दोनों खेत के मालिक के घर जाते हैं। खेत का मालिक अपने घर नहीं था। तभी वो दोनों अपने घर आते हैं तो वो देखते हैं कि खेत के मालिक ने उनकी बेटी की गर्दन पर एक बड़ा सा खंजर रखा था। अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मेरी बेटी को। मोहन, खेत की मसाले की फसल कहाँ रखी है तूने? कल रात मैं मसाले की फसल चुराने गया था लेकिन खेत में फसल नहीं थी, वो फसल लाखों रुपए की है, बता नहीं तो तेरी बेटी का गला काट दूंगा। मालिक, वो फसल मैंने नहीं काटी, लगता है वो फसल किसी ने चुरा ली। वो फसल आपने नहीं काटी, मतलब किसी ने वो फसल चुरा ली? क्या बकवास कर रहे हो, तुमने भी वो फसल नहीं काटी, तुमने वो फसल नहीं काटी तो कहाँ गई? मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आज रात तक मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। इतना कहकर खेत का मालिक वहाँ से चला जाता है। जादू मसाले की फसल मोहन के घर आ जाती है। ये देखकर मोहन और रूपाली के होश उड़ जाती है। चौंकने की जरूरत नहीं है, ये एक जादुई मसाले की फसल है, तुम इस फसल को लेकर इस गांव से कहीं दूर चले जाओ और इस फसल को कमरे में रख देना, उसके बाद तुम जितने चाहो उतने मसाले निकाल सकते हो इस फसल से। ये जादुई मसाले की फसल कभी खत्म नहीं होगी, अब तुम इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। खेत का मालिक मुझे चुराना चाहता था, इसलिए मैंने ये फसल गायब कर दी। मोहन और रूपाली ये बात सुनकर बहुत खुश